फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो भाई लोगों, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मैं बहुत जल्द एक डिटेक्टर का रिव्यू करूंगा जिसके अंदर मैं आपको हंट करता हुआ भी दिखूंगा और डिटेक्टिंग के क्या लीगल पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से खरीदना चाहिए, किस तरह से डिटेक्ट करना चाहिए और किस किस तरह से हमको यूज़ करना चाहिए डिटेक्टर का, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कैसे गहराई से उठाता है सामान, किस तरह का पुराना ऑब्जेक्ट हो तो कितना ज़्यादा गहरा उठा सकता है, किस तरह से आपकी जितने भी सारे सवाल थे मैं वो सारों का जवाब दूंगा। और एक मैं गिव अवे भी रखने वाला हूं, एक मेटल डिटेक्टर मैं अपनी तरफ से देने वाला हूं। जो भी इंसान मेरे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब करेगा, और मेरे सब्सक्राइबर जितने जल्दी 10,000 पे पहुंचेंगे उतने जल्दी मैं वो गिव अवे में एक मेटल डिटेक्टर देने वाला हूं, जो कि होगा गोफाइन 44 का, माइंड लैब का गोफाइन 44 में एक गिव अवे में आप लोगों को देने वाला हूं। तो यार, जब मैं फ्री में आपको दे रहा हूं तो आपको काहे की दिक्कत, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बनवा। 10,000 होते ही मैं एक लॉटरी सिस्टम द्वारा आपका निकालूंगा नाम, जो मेरे को पसंद आएगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा, जिसके कमेंट्स वगैरह मेरे को अच्छे लगेंगे, जो भी मेरे को पसंद आता है मैं उसके लिए एक गिव अवे रखूंगा। उसको मैं बाई कोरियर एक मेटल डिटेक्टर विद बिल विद वारंटी कार्ड उसके पास में भेजूंगा। इससे अच्छी बात कोई बात ही नहीं होती यार, आप लोगों को फ्री में डिटेक्टर दूंगा। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि मेटल डिटेक्टिंग में हमारे इंडिया के अंदर क्या ये मेटल डिटेक्टिंग करना लीगल है। तो बात यहां आती है लीगालिटी और इलीगालिटी की। तो लीगालिटी के पॉइंट में आपको समझा देता हूं। भाई आप एक फ़ोन लेते हैं, भाई इम्पोर्ट होके आता है एप्पल का आईफोन, आपको पता है एप्पल बड़ी कंपनी है, इम्पोर्ट होके आया, इम्पोर्ट मतलब बाहर से आया आपके पास, तो बिल आता है आपके पास, आप चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल यूज कर रहे हो। ठीक उसी तरह से डिटेक्टर भी लीगल है। लीगल कैसे है भाई, इम्पोर्ट होके बाहर से आ रहा है, कस्टम ड्यूटी हम लोग दे रहे हैं और विथ बिल के हम इनको चला सकते हैं। अब चला कहां सकते हैं, यहां से लीगालिटी का और इलीगालिटी का पॉइंट शुरू होता है। भाई अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी पे चलाते हैं तो आप लीगल हैं, चलाना गलत नहीं है, डिटेक्टिंग आप कर सकते हैं भाई, ऊपर किसी प्रोडक्ट को डेमो के लिए चलाना कोई गलत चीज नहीं होती। लेकिन 6 इंच नीचे से भारत सरकार की जमीन लग जाती है, आप ऊपर पड़ी हुई कोई भी रिंग आपकी घूम गई है, आप उसको ढूंढ के निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ और मिलता है तो यह आपका दायित्व बनता है कि भारत सरकार के इंडियन ट्रेजर एक्ट के हिसाब से आप उन लोगों को बताएं कि भाई हमें ये इस तरह से चीज हमारी लैंड पे मिली है। तो भारत सरकार क्या करेगी, वो सबसे पहली चीज पूछती है कि इसमें ओनर कौन आता है। ओनर से मतलब है जिसकी लैंड होगी वो ओनर कहलाएगा। तो भाई जो ओनर है वो ओनर कहलाएगा ट्रेजर एक्ट के हिसाब से, और दूसरा जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। तो अब इन दोनों के बीच में होता क्या है, वो जो भी आपको सामान मिलेगा या कोई भी चीज आप ट्रेजर अच्छा सा ढूंढ भी लेते हैं तो आप भारत सरकार को जब आप खुद दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी से बता रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको परसेंटेज देंगे, बाकायदा देंगे। हाँ, टाइम लगता है थोड़ा किसी भी चीज में। अब इलीगालिटी के पॉइंट क्या होते हैं कि आप किसी और की जमीन पे जाते हैं, आपने परमिशन नहीं ली, आप भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पुरातत्वों की बिल्डिंग में चले गए, ये तो बहुत ही इलीगल है, ये तो कभी भी कोई भी इंसान ना करे, ये बहुत ही बड़ा इलीगल पॉइंट है। और मेटल डिटेक्टिंग करते समय ये याद रखें कि किसी भी पुरातत्व की बिल्डिंग, पुरातत्व की जगह में आप घुस नहीं सकते हैं और ना आप वहां डिटेक्टिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तो भाई मेटल डिटेक्टिंग में आपको सबसे पहले यही काम करना है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे देखें, भाई दूसरे की प्रॉपर्टी है आप उस पर देख ही क्यों रहे हैं, अच्छा दूसरे की प्रॉपर्टी है आप उससे परमिशन लेके देखते हैं तो आप लीगल हैं। कैसा लीगल है, आप परमिशन लिए हुए हैं तो भाई लीगल हैं आप। लेकिन खुदाई करते हैं तो भारत सरकार क्या करेगी कि आपको ओनर नहीं मानेगी, जिसकी प्रॉपर्टी है उसको ओनर मानेगी और आप सेकेंड ओनर होगे और थर्ड पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी। लेकिन जो भी आपको मिलेगा वो बटेगा दो लोगों के बीच में ही, मतलब जो प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है वो देगी एक 50% से ऊपर खुद के पास रखेगी और जो भी आपको देना होगा वो आपको देगी। तो भाई ट्रेजर ढूंढ के आप भारत सरकार का प्रॉफिट कराते तो अच्छी बात है और आपको भारत सरकार इनाम देगी, वाकई में देगी। इंडियन ट्रेजर एक्ट में एक ऐसा कानून बना हुआ है, बाकायदा बना हुआ है। लेकिन इलीगल पॉइंट आप बिल्कुल भी ना करें, इलीगल काम बिल्कुल भी ना करें। डिटेक्टिंग करते समय सबसे पहला उसूल ये बना है कि हम लीगल वे से करेंगे और हम जो सही होगा, जो भारत का संविधान हमारा कहता है, हम उस तरीके से करेंगे।
ठीक है। अच्छा दूसरी चीज होती है मेटल डिटेक्टर को हम चलाते हैं, बिल्कुल चलाइए, आप कोई इलीगालिटी नहीं है, आप तो ओपनली चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके पास विल है, वारंटी है, आपकी मशीनरी, आप चला सकते हैं, लेकिन खुदाई ना करे, खुदाई बिल्कुल भी ना करे। हाँ ऊपर कोई भी चीज है आप मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी चीज हाथ लगती है तुरंत जाके आपका पहला फर्ज बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाके इन्फॉर्म करें, आप भारत के नागरिक हैं, आपका फर्ज है, आपको ये जाके बताना होगा। तो भाई ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको मैं मेटल डिटेक्टिंग के लीगल और इलीगल पॉइंट बता सकूं। तो ये आपके ऊपर है, ये आपका कर्तव्य है कि आप इस तरीके से डिटेक्टिंग करें इंडिया के अंदर। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी जगहों पर ट्रेजर हंटिंग होती है वैसा करवाए, तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी फायदा है, और अगर सिटीजन हमारी कंट्री के समझदार होते हैं और ऐसा काम करते हैं तो इससे हमारी गवर्नमेंट को ही फायदा है। तो भाई ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ समझ सके, सीख सके। तो और डिटेक्टिंग करना है खूब करिए, लेकिन लीगालिटी के साथ, इलीगल वे में बिल्कुल भी ना करें, और जो इलीगल है वो इलीगल ही होता है। तो अब दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता था कि भाई मैं एक गिव अवे रखने वाला हूँ, गिव अवे से मेरा मतलब है मैं एक मेटल डिटेक्टर, मेरे जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे चैनल पे तो मैं एक मेटल डिटेक्टर माइंड लैब का गो फाइंड प्रो 44 या फिर कोई भी एक डिटेक्टर जो अच्छा होगा, जो मिड रेंज में होगा और काफी अच्छा होगा, वो डिटेक्टर मैं एक फ्री में गिव अवे में देने वाला हूँ। अब गिव अवे आपको जीतने के लिए करना क्या है, एक लकी विनर होगा 10,000 लोगों में, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई जितने भी मेरे मेटल डिटेक्टिंग के वीडियो हैं आप उनको शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर करोगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उन 10,000 लकी कस्टमरों में मैं किसी भी एक को छांटूंगा और उसके घर पे वो डिटेक्टर डिलीवर करूंगा, उससे एड्रेस पूछूंगा बकायदा और कुरियर के द्वारा विद बिल विद वारंटी कार्ड उसके घर पे डिलीवर करके दूंगा। तो भाई डिटेक्टर मैं आपको दे रहा हूँ डिटेक्टिंग के लिए, इससे अच्छी बात कोई है नहीं। तो आगे आप लोगों की मर्जी है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, जितने जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे उतने जल्दी मैं एक गिव अवे रखूंगा, इसके बाद मैं एक गिव अवे और रखूंगा 10,000 के बाद 30,000 पे, उसके बाद मैं एक 50,000 पे रखूंगा। तो देखते हैं भाई कितने जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और कितने जल्दी कौन कौन को डिटेक्टर मिलते हैं। और बाकी आप मेटल डिटेक्टिंग से लेकर कोई भी सवाल हो ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों के, जो भी आपके मन में आता हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जो हमारे पार्टनर हैं ऑफिशियल आप उनके यहाँ से डिटेक्टर ले सकते हैं, हम वारंटी से लगा के हर चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसको कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, हर चीज़ आपको बताएंगे। तो भाइयों ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, आशा है आप लोग समझ गए होंगे जो मैं अपनी बातें रखना चाहता था और जो आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहता था। तो थैंक यू गाइज, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना, और नीचे जो बेल आइकन दिया उसको दबा देना ताकि आने वाले टाइम में मेरे को आप जो मेरे सारे वीडियो आने वाले हैं वो आप देखते रहें, जिससे आपको मेटल डिटेक्टिंग के बारे में और नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू गाइज।